तो सिमलापुरी की टीम ने चार लोगों को अभी हमने अरेस्ट किया है, जिसमें इन लोगों ने एक किडनैपिंग कमिट करनी थी और उसमें एक 14-15 साल के बच्चे को किडनैप करके और फिर 6-7 लाख रुपए के आसपास का रैनसम डिमांड करना था। बट उस इंसिडेंट को होने से पहले ही इन्होंने अपनी चेकिंग के दौरान और इन्फॉर्मेशन के साथ में उन लोगों को अरेस्ट किया और उनसे हमने मुंह पे बांधने वाली टेप, एक खिलौना पिस्तौल और कुछ और चीजें बरामद की है। बाकी हम आगे और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इनका क्राइम रिकॉर्ड और सारा। ये सिमलापुरी के आसपास हमने पकड़ा। इसके बारे में खिलौना पिस्तौल जो है उसके आम सेक्ट के हिसाब से जो हम इसको एक्सप्लोर करके और एज पर द रेगुलेशंस जो है इनका यूज होना चाहिए, क्योंकि अभी आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ मेटालिक सिमिलर लुकिंग ओरिजिनल पिस्तौल जैसा ही सिमिलर लुकिंग मेटालिक पिस्तौल भी कुछ लोगों के पास से पकड़े गए, तो उसके हिसाब से जो आम सेक्ट के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो उनके खिलाफ वो लायबल है। ये आरोपी मेन इनमें जगतार और जस्सी है और इन लोगों ने इजी मनी बनाने के लिए 6-7 लाख रुपए की इनको फिरौती मिल जाए इसलिए किया। आरोपी जो है मेन मास्टरमाइंड है, ये जहां पे इन्होंने क्राइम कमिट करना था उस एरिया का रहने वाला है और जिन लोग जिसको किडनैप करना था उसको ये जानता है उसके बारे में, तो इसलिए इसने ये प्लान किया। नहीं नहीं अभी तक कोई पुलिस को इसकी सूचना जो है हमारे एक इन्फॉर्मर ने हमें बताया और उसके बाद में जब हमने वेरीफाई किया तो ये कंफर्म हो गया कि ये लोग एक ऑटो के अंदर जा रहे थे और ये क्राइम कमिट करने के लिए, इन बिटवीन हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया। नहीं अभी तक के वेरिफिकेशन को सामने नहीं आया, बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं।